शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम मैम। प्रिंस का है? सर तो नहीं है, लेकिन हरिकिशन जी। सामान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर होटल चलो। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, रहने वाले जलन हो रही है। हाथ उठाइए राज, बच्चे जैसे मत बिहेव कीजिए। हाथ उठाइए। अरे नहीं जलेगा। अरे राज हाथ उठाइए, ज्यादा नहीं जलेगा। हाथ उठाइए राज, प्लीज हाथ उठाइए। छूटे कहीं के हमें ही डरा दिया, हमें लगा पता नहीं कितना कट गया होगा। जाइए, माँ से कभी बात नहीं करेंगे अब। हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिंस। मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि कामया जी आ गई, वो होटल में अपने स्वीट में बहुत नाराज है। आप फिक्र मत करिए, मैं कामया से आज मिल लूंगा। और प्रिंस, आपको ऑफिस आना बहुत जरूरी है, काफी काम पेंडिंग है। ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ। ओके प्रिंस, बाय।
मुझे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपकी मर्जी है। नितिन, 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 कब से बुला रही हूँ? खाना ठंडा हो जाएगा ना? और मैं भी कब से कह रहा हूँ, बस आ रहा हूँ ना, दो मिनट प्लीज प्लीज। क्या नितिन, मुझे तो काम नहीं करने देते और अपने काम से फुर्सत नहीं है। आज से ऑफिस का काम घर में नहीं चलेगा। अरे पर ये मेरा काम कहाँ है? तो फिर किसका है? टीना का। ओ, तो तुम टीना के लिए ओवरटाइम कर सकते हो। यही अगर तरुण ने कहा होता कि प्लीज मेरे लिए काम कर दो तो तुम करते क्या? तरुण, नेवर। मैं किसी लड़के के लिए भला क्यों मदद करूं? हाँ, वो तो बेचारी टीना ने कहा ना, यू नो वो कितनी इनोसेंट है, सो स्वीट, सो इनोसेंट, सो लवेबल। एंड यू नो व्हाट? व्हाट? यू आर वन नंबर का फ्लर्ट। क्यों, बहुत जलन हो रही है? मुझे और स्टीना से जलन? नेवर। मैं देखता हूँ, तुम खाना लगा। हेलो हेलो नितिन। टीना। टीना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नितिन, वो मेरा काम। हाँ हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। नितिन, I'm so sorry, बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें, but I promise मैं बहुत जल्द सब काम सीख लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं टीना, सीख लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं हूं ना सिखाने के लिए। लेकिन एक बात है, अपना काम कराने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें रिश्वत देनी होगी। अच्छा बोलिए, क्या रिश्वत चाहिए? उस दिन तुम टिफिन में बैगन का भरता लाई थी ना, बहुत अच्छा बना था, बस फिर से वही बना के लाना होगा, मजा आ गया था खाकर। और हाँ, उसकी रेसिपी भी लिख के लानी होगी। क्यों? मेरे वाइफ के लिए। नितिन, अब बस भी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। टीना, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। बाय। बाय नितिन। नहीं, इंपेशेंट क्यों हो रही? वैसे खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता। माँ ये लीजिए, पापा की दवाइयां लेकर आया हूँ। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्हें दवाइयाँ टाइम पर और ध्यान से देती रहना। उसकी चिंता मत कर तू, राज को सब कुछ पता है, कौन सी दवा कौन से वक्त पर देनी है वो संभाल लेता है। हे भगवान, 3,586 रुपयों की दवाइयाँ। अरे बेटा आ गए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा जी मैम, आज से ही जॉइन करना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन राज बेटा, तेरी तबीयत? अरे समधन जी, अपनी साली के लिए कोरट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते भी तो
राज की तबीयत भली चंगी रही थी। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान जो है ना, वो राज की तबीयत को ठीक ही रखे। नौकरी करेगा, चार लोगों से मिलेगा, चार पैसे कमाएगा। तो बेचारी रानी के लिए भी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा ना। की चिंता क्यों करती हो? अरे मनोज बेटा, बधाई हो, बधाई हो, तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई है। वैसे राज, नौकरी मिली कहाँ पर है? भैया वो थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। थापर ग्रुप तो काफी बड़ा बिजनेस हाउस है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है। तू उसी थापर ग्रुप की बात कर रहा है? जी भैया। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली है। वैसे कंपनी के बॉस का नाम क्या है? जी प्रिंस जे थापर। अरे ये कहीं वही तो नहीं, हरिकृष्ण जी के बॉस? जी मैम, उन्होंने मेरी नौकरी लगवाई है। ये एक और वाला, दिस इज अ सुपर हिट। मेरा पेट दुख रहा है, प्लीज। ये सुनो ना, एक बार संता सिंह और पता नहीं कोई आया, रुको, गलत टाइम पे आया। इतना अच्छा जोक था ना, इतना अच्छा जोक था। यस जी, मैं वो नितिन। अरे टीना, तुम आओ ना, कम इन, आ बैठो। टीना ये मेरी वाइफ सलोनी, एंड सलोनी ये टीना। हाय हाय। एक्चुअली मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी, बिकॉज तब तक मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। इसीलिए मैं आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, फॉर अ न्यूली मैरिड कपल। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है सलोनी जी, आपको पता है वैसे तो मैं इनके अंडर काम करती हूँ, लेकिन मेरा सारा काम नितिन ही करते हैं। ही इज वेरी फ्रेंडली, एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी क्योंकि आपको नितिन जैसा हस्बैंड मिला। थैंक्स, थैंक्स लॉट। आप हमारे साथ खाना खाइए ना। हाँ क्यों, अपना वो बैंगन का भरता ही बना दो। अगर होम मिनिस्ट्री इजाजत दे दे तो। इनफैक्ट मैं बैंगन का भरता साथ लेके आई हूँ। नितिन की रिश्वत थी, देनी तो पड़ती, इसीलिए माँ की हाथ का बनाया बैंगन का भरता। अब पर इसे गरम करना पड़ेगा। पर हाँ क्यों नहीं, गरम भी कर लेना और तुम सलोनी को रेसिपी भी दे देना। अपने ही घर में, अपने ही किचन में मुझे बैंगन का भरता बनाना सीखना पड़ेगा। वाह, तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ भी नहीं। चलिए फिर गरम करते हैं। हाँ हाँ चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो टेबल लग गई। कहीं मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए ना बैंगन का भरता गरम करते हैं। चलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहोगी? क्या बात है प्रिंस, जो तुम मुझे लेने तक नहीं आए और आज मेरे आने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो अक्सर होती है। हाँ मैं वही सब तुम्हें बताने आया हूँ कामया।
मेरे हाथों एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। प्रिंस, प्रिंस तुम ठीक तो हो? या, I'm fine. लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया काम्या। लगता है ये डेफिनेटली टेंशन वाली बात है। इत्मीनान से सुननी होगी। तुम एक काम करो, अपने लिए ड्रिंक बना लो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? Oh God, I hope काम्या मेरी बात समझ पाए। मुझे राज का हमशक्ल बना है। God. और मैं न जाने क्या समझ रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो गया तो रिलैक्स फ्री, एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। अच्छा आप बताओ कि इरादा क्या है? मैं नहीं जानता और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। मैं बस उसके परिवार की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद यही मेरा प्रायश्चित हो सकता है, और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपनी मंगेतर की क्या मदद कर सकते हैं? क्या मतलब? पहले तो मेरे सारे इशारे समझ जाते थे। लंच पर नहीं ले जाओगे? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके आता हूँ। And then we'll go out for lunch. I love you. रानी, कल मैं मिस्टर तलवार से मिला था। वो कोमल का केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। रानी, मिस्टर तलवार ने मुझे बताया कि इस केस में प्रिंस ने उनकी बहुत मदद की। हाँ रानी, सारे प्रूफ, सारे सबूत प्रिंस की मेहनत की वजह से ही मिले, वरना ये केस जीतना इतना आसान नहीं था। रानी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि प्रिंस इतना सब क्यों कर रहा है। उसका एक अपना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इतनी प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, फिर उसे क्या जरूरत है राज बनकर तुम्हारे घर में रहने की? रानी, प्रिंस के पास इतना पैसा है कि 2-3-4 करोड़ रुपए से हाथ धोना उसके लिए एक बहुत ही मामूली सी बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो करण? कि अगर प्रिंस चाहता तो कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हारे परिवार को एक बड़ी सी रकम देकर अपने दिल पर पड़े बोझ से आजाद हो जाता। वो किसी को बताता ही नहीं कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन प्रिंस थापर ने आज तक सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं की है रानी, बल्कि वो तो राज बनकर अंकल और आंटी की दिन रात सेवा करता रहता है। रानी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल मुझे एक ही जवाब देता है कि प्रिंस सही मायने में प्रायश्चित कर रहा है। रानी, मुझे तो लगता है कि कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता।